नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैकेंसी अपडेट 2024 यानी 2024 में आपको कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी, चाहे आपकी NVS से रिलेटेड हो, चाहे KVS से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे आपकी DTLS भी PRT की हो या फिर आपकी KVS कोई भी हो, मतलब बताएंगे आपको कब तक वैकेंसी आ सकती है। जैसे DTLS भी TGT PGT वैकेंसी निकल चुकी थी, लेकिन PRT के बहुत से बच्चों का इंतजार, तो हम कन्फर्म बताएंगे वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम किस महीने में हो सकता है। इसके साथ ही KVS का बहुत को इंतजार रहता है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में वो सारी जानकारी आपको देंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं वैकेंसी अपडेट 2024 यानी 2024 में कौन कौन सी वैकेंसी आएगी और ये कब तक आएगी वो अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो बात करें तो NVS की, जो NVS की आपकी वैकेंसी है वो आपको अगस्त में देखने को मिलेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि NVS की नॉन टीचिंग की वैकेंसी तो निकल रही है, आप जो जो एलिजिबल उसको फॉर्म को भर लेना भाई, ठीक है। अभी लास्ट डेट पता नहीं है, शायद 23-24 अप्रैल लास्ट डेट है, तो उनको भर लेना आप अच्छे से, ठीक है। तो हमने बता दिया आपको कि NVS है जो आपका अगस्त में वैकेंसी देगा, किससे रिलेटेड देगा, आपकी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड देगा और ये आपकी TGT और PGT दोनों के लिए वैकेंसी होगी। तो जो तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी को मजबूत कर लीजिएगा अपनी, ठीक है, ताकि आप NVS के एग्ज़ाम क्रैक कर सको। तो आगे बात करते हैं EMRS की वैकेंसी के बारे में। तो ये भी आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेगी और ये आपकी जो वैकेंसी होगी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों से रिलेटेड होगी और इनके अंतर्गत दोनों में ही, मतलब NVS में KVS में भी, सॉरी NVS में EMRS में दोनों को आपको अच्छे खासे पद देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये दोनों वैकेंसी आगे पीछे एक साथ ही आएगी, मतलब 10-12 दिन का गैप होगा मुश्किल से कुछ, या हफ्ते का गैप होगा बस, यानी दोनों अगस्त में आ जाएगी, यानी अगर ये अगस्त के स्टार्टिंग में आ गई तो अगस्त के लास्ट में आ जाएगी, दोनों एक साथ ही वैकेंसी आएगी, NVS की भी और EMRS की भी आपकी, ठीक है। NVS की मैंने बताया था टीचिंग वाली आएगी और EMRS की दोनों आएगी, टीचिंग और नॉन टीचिंग आएगी। अब आगे जो बात करते हैं AEES की, इसकी बात करें तो इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सितंबर में या अक्टूबर में, तो 100% आपको वैकेंसी आ ही जाएगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना टीचिंग एग्जाम की भी, अच्छे से अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए, क्योंकि 2024 साल है जिसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसके बाद भूल जाइए कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। 2-3 साल गैप लग जाएगा, फिर कोई एवरेज हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा जरूरी यही है कि जो AEES की वैकेंसी आपकी आएगी सितंबर में या फिर अक्टूबर में, तो 100% आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया NVS की कब आएगी, EMRS की कब आएगी और AEES की कब आएगी आपकी, 100% अक्टूबर में तो आएगी आएगी। और आगे जो बात करें हम KVS की, जिसका बहुत से बच्चों को बेसब्री से इंतजार है, ठीक है, जो KVS की तैयारी कर रहे थे या करना चाहते हैं, जिनका CTAT क्रैक है, ठीक, तो वे लोग अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है दिसंबर में आएगी, तो सिलेबस जल्दी जल्दी आप कंप्लीट कर लीजिए, जो भी सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा, सिलेबस इस बार चेंज नहीं होगा, पिछली बार इन्होंने चेंज कर दिया था, जो अपडेट था वही रहेगा इस बार भी, ठीक है। और जो आपकी वैकेंसी है ये दिसंबर तक आ जाएगी, ये आपकी PRT के लिए, TGT के लिए और PGT के लिए, तीनों के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात आपको बता दूँ, जो आपका ये फॉर्म शुरू होंगे आपके दिसंबर में शुरू हो जाएंगे और ये बहुत ही जल्दी एग्जाम ले लेते हैं KVS वाले, इस पिछली बार भी क्या कहते हैं ना, जो भी लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, ठीक है, एक साल पहले, उसमें भी इन्होंने ऐसे ही किया था भाई, वैकेंसी निकाल के तुरंत एग्ज़ाम ले लिया था, ठीक है, मतलब फॉर्म खत्म हुए उसे 15-20 दिन बच्चों को भी नहीं मिले, बच्चे सोचे शायद 2-3 महीने तैयारी के मिल जाएंगे, कोचिंग वालों ने भी जल्दी जल्दी में आनंद फानंद में अपना कोर्स कंप्लीट करवाया था भाई, ठीक है। तो आप बता दें जो KVS की तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी से तैयारी कर लीजिए और अच्छे से, ताकि जब फॉर्म निकले उस टाइम सिर्फ सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़े, ना कि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़े, ठीक है, क्योंकि उस टाइम सिर्फ आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो, प्रैक्टिस आपको जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन के आप अच्छे से आदत डाल दीजिए तब तक, ठीक है। अब तक दो चार पाँच महीने या 6 महीने आपके पास है, 7 महीने, उसमें आप अपने थ्योरी कंप्लीट कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, उस टाइम आप ज़्यादातर प्रैक्टिस पे फोकस करिएगा। तो मैंने बताया था KVS की वैकेंसी आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी, 100% मिलेगी। तो जैसे हमने शुरू में बताया था, बता देते ये सारी जो वैकेंसी आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगी, यानी जो है ना 2024 के सेकेंड हाफ में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि जून तक तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई नई वैकेंसी नहीं आ सकती, जो कैलेंडर जारी हो चुका है उसका तो पेपर ले सकते हैं, लेकिन नई पेपर नहीं ले सकते कोई भी, ठीक है। तो ये जो सारी जो वैकेंसी है, चाहे आपकी NVS की हो, EMRS की हो, AEES की हो या KVS की हो, ये सारी वैकेंसी आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगी और ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, वही 2-2-3-3 महीने के अंतराल पर इनके पेपर ले लिए जाएंगे, फिर आप ये कहोगे हमारा तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा, सिलेबस इतना ज़्यादा है, इसे जो भी इनका सिलेबस है अभी उसी सिलेबस को पढ़ते रहिए, जब नोटिफिकेशन आएगा कुछ चेंजेस होगा तो ऐसा नहीं प्रॉपर सिलेबस बदल देंगे, थोड़ा बहुत तो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और इन सब के लिए जरूरी बात बता दूं आपको, आपके CTAT में 90 मार्क्स चाहिए, किसी को कहते हैं मेरे 82 है, मैं ये हूँ SC से OBC से, ये तो कुछ नहीं चलता, सिर्फ सिर्फ आपको 90 मार्क्स चाहिए, मेरा CTAT क्लियर नहीं है, अब जुलाई वाले CTAT को क्लियर कर लीजिएगा अच्छी मेहनत के साथ, हमने CTAT पर भी वीडियो बना रखेगा, आप फ्री कैसे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने बता दिया CTAT चाहिएगा, 90 मार्क्स वाला चाहिएगा, कोई राजी हो रहा हो 82 नंबर लेकर कि ना मेरे तो क्लियर है, खुश हो रहा है कि फॉर्म भर लूँगा, किसी फॉर्म में एलिजिबल नहीं हुआ भाई, बेकार आपके 82 नंबर आने, ठीक है, आप सिर्फ
लिखा जरूर आ जाएगा, आप क्वालिफाई कर गए लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपकी सीट में 90 मार्क्स चाहिए, या अपने जहन बात बैठा लो कि 90 मार्क्स लेकर आने हैं आपको। 90 मार्क्स से ही आप जो है अदर स्टेट में भी इलिजिबल हो जाते हैं सीट एट में, और इन वैकेंसी में भी इलिजिबल हो जाते हो, वरना 82 वाले बाहर ही होते हैं। मामला ऐसे रहता है उनको, तो भाई कोई किसी भर्ती में ले लेते हैं, किसी में बाहर निकाल देते हैं उनको 82 वालों को। तो सीट एट में 90 मार्क्स चाहिए, जुलाई वाला आप क्लियर कर लीजिए जिसका क्लियर नहीं है। अब बात करते हैं DSSS भी PRT वैकेंसी की। जैसे कि आपको बताया कि PhD की तो निकल चुकी है, सबको इंतजार है DSSS भी PRT 2024 की वैकेंसी का। ये मत सोचना वैकेंसी नहीं आएगी, हम बस कहें वैकेंसी तो 100% आपकी आएगी। ऐसा नहीं होता कि DSSS ने PhD की वैकेंसी निकाल दी और PRT के लिए ना निकाले, जब निकालते सभी के लिए निकालते हैं। और अब ये वैकेंसी निकाली है, फिर 2 साल बाद आएगी वैकेंसी सीधा, तो इसलिए तारीख मजबूत कर लीजिएगा, ठीक है। अब बताते हैं आपको कैसे कब तक है। जून तक तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो आपके जुलाई में या फिर अगस्त लास्ट में या अगस्त मिडवे में, अगस्त के मिडवे में मान के चलो 100% आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने मिलेंगे। आपके माइंड में ये हो कि जैसे TSTPST वालों को भी 3-4 महीने मिलेंगे, क्योंकि अभी वो है ना इलेक्शन चला है, इस वजह से मिले हैं। ये मत सोचना कि नहीं उसने दिया है, DSSS ने टाइम दिया, DSSS भी टाइम नहीं देगा। 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम ले लेगा, मुश्किल से 1.5-2 महीने के अंदर ही, ठीक है। तो आपको बता दें जो आपका एग्जाम हुई दिवाली तक आपका एग्जाम नहीं लेगा, क्योंकि DSSS क्या है ना, सर्दी में एग्जाम नहीं करवाता, आज तक ने करवाया नहीं है, ये गर्मियों के उसमें एग्जाम करवाते हैं। तो आपका वैकेंसी निकालते ही जुलाई या अगस्त के अंतर्गत ये तुरंत आपका क्या ले लेंगे, PRT का एग्जाम आपका ले लेंगे। तो आपके पास मुश्किल से 2-2.5 महीने बचेंगे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अब तो काफ़ी टाइम है, 6 महीने अब तो आपके पास अच्छी तैयारी करने के लिए। जैसे मैंने यह बात बताई थी कि अब तक आप अभी तो क्या अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले अच्छे से, ठीक है, बार बार रिवाइज कर लीजिए, नोट्स वोट्स बना लीजिए अच्छे से। उस टाइम आपको सिर्फ रिवीजन करना रह जाएगा, साथ साथ वो प्रैक्टिस शॉट लगाने रह जाएंगे, प्रैक्टिस कहाँ से करें, किस तरीके से करें, बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आप बता दें DSSS PRT 2024 आपको जुलाई में या फिर अगस्त में तो 100% देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा बिल्कुल। वो एग्जाम आपको दिवाली के करीब, दिवाली के बाद में पहले कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने बता दिया आपको कि NVS की कब आएगी, EMRS की कब आएगी, AWS की कब आएगी, KVS की कब आएगी, एग्जाम कब तक हो सकता है, सीट एट में 90 मार्क्स चाहिए 90 से कम वाले डाउट में रहोगे, डाउट में रहेगा ना फिर, ठीक है। जिसका जुल कर लिया नहीं, जुलाई वाला क्लियर कर लो, आपको एकदम से कैसे देखने को मिलेगी बढ़िया, ठीक है। DSSS PRT वालों को भी जुलाई अगस्त में आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन, एग्जाम अगर दिवाली के बाद ले लिया जाएगा या दिवाली से पहले भी ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन सब के जो नोट्स हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं फ्री, बिना किसी पैसे के, मतलब कोई पेड़ नहीं, से फ्री आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे आपके NVS के हो, EMRS के हो, AWS के हो, KVS के हो, या फिर आपके DSSS PRT के, DSSS TSD PhD किसी भी चीज़ के हो, ठीक है। हम फ्री PDF प्रोवाइड करवाते हैं और हमने कोर्स भी प्रोवाइड करवाए हैं फ्री, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।